पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर अध्यापक संघ ने नाहन में रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अध्यापक संघ का कहना है कि पेंशन कर्मचारियों का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होती है, जिसे छीनकर सरकार ने कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है। जिला मुख्यालय नाहन में अध्यापक संघ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मकसद से रैली का आयोजन किया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ ने उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। जिला स्तर का प्रदर्शन, हम अपने पूरा जिला सिरमौर पूरे जोश के साथ उपायुक्त महोदय को माध्यम से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम यहाँ से महोदय को, उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उसके बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम प्रदेश स्तर पर अभी 5 जनवरी में एक प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।